एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दो मामलों में बड़ा खुलासा कर अंजड़ ज्विनिंग में तिजोरी तोड़ चोरी और डकैती की योजना बनाते गिरोह पर कार्रवाई कर हथियार और नगद जब्त कर 8 आरोपियों को राउंडअप कर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल बड़वानी के समीप रहगुन निवासी राधाबाई काग से रहवासी झूठी FIR। बड़वानी अंजड़ और सिलावत थाना क्षेत्र से किसान ड्रिप लाइन मोटर पंप कल्टीवेटर सहित दोपहिया वाहन चोरी के लगातार होने से परेशान थे। ग्रामीणों को इसी महिला पर शक था। वहीं सिलावत पुलिस थाना क्षेत्र में महिला और इसके 5 साथियों द्वारा डकैती की योजना बनाने की सूचना पर पुलिस ने महिला और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर चोरी का सामान, एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, चाकू सहित अन्य हथियार जब्त कर राधाबाई सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अंजड़ सत्कार चिनिंग में तिजोरी तोड़ करीब 2,00,000 की चोरी की घटना में 2 आरोपियों को पकड़कर उनसे करीब 2,00,000 रुपए और एक देशी कट्टा जब्त कर बड़ी सफलता पाई है। क्या परिचय आपका? विजय सिंह पटेल। कहाँ रहते हैं आप? धनसरा। यहाँ कोतवाली थाने आए हैं? कोतवाली थाने, मेरे खेत से पिछले दिनों एक जीप चोरी हो गई थी जो मेरे खेत की मेड़ पर रखी हुई थी। धानुका कंपनी की थी, वो लगभग 45,000 रुपए की थी और 2.5 से 3 एकड़ की करीब की चोरी हो गई। थाने पे रिपोर्ट करवाई? हाँ, थाने पे क्राइम दर्ज करा दी, रिपोर्ट दर्ज हुई। देखिए, आज यहाँ पे हम दो मामलों का खुलासा कर रहे हैं। एक तो पहला मामला हमारे थाना सिलावत क्षेत्र का है, जिसमें हमारी टीम को 17 तारीख को सूचना मिली थी कि सिलावत बड़वानी रोड पे कुछ लोग हथियार के साथ हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जब हमारी टीम ने वहां पे पहुंच के इनको राउंड अप किया तो हमने यहाँ पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला भी थी, और इनके पास से हमें 2 फायर आर्म्स मिले और अन्य लोहे का सामान मिला जो कि इनके पास हथियार था बेसिकली, और ये किसी डकैती की योजना की तैयारी करते हुए हमारी टीम को मिले थे। इनको गिरफ्तार करते हुए हमने सिलावत पे धारा 399, 402 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत यानी कि डकैती की तैयारी का एक प्रकरण पंजीबद्ध किया। और जब इनसे पूरी पूछताछ की तो हमारे थाना बड़वानी, थाना सिलावत और अंजड़ क्षेत्र की लगभग 18 चोरियां इनसे हमारी क्लियर हुई हैं, जिसमें 5 मोटरसाइकिल चोरी, लगभग 5 किसानों के मोटर पंप चोरी, कल्टीवेटर, कृषि उपकरण, ड्रिप पाइपलाइन चोरी। तो इस तरह से कुल 18 जो चोरी के प्रकरण थे वो इसमें क्लियर हुए हैं और लगभग 7,00,000 का मशरूका पुलिस ने इसमें बरामद किया है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने। इसमें 6 में से 4 के पहले के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, उनको भी संलग्न किया गया है। और नए मामले, जैसा मैंने बताया कि 18 प्रकरण इसमें कुल खुलासा पुलिस कर रही है। दूसरा मामला हमारे थाना अंजड़ क्षेत्र का है, जिसमें कि 22-23 दिसंबर को साकेत जिनिंग में एक चोरी हुई थी, लगभग 5,00,000 रुपए वहां से चोरी हुए थे। तभी से हमने हमारे 2 SDOP के नेतृत्व में और हमारी साइबर की टीम, लोकल हमारी थाने की टीम लगातार उस पर काम कर रही थी। इसमें हमारी पूरी टीम ने काम करते हुए 4 लोगों को चिन्हित किया जो कि जिला धार के थे। इसमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इनसे 2,00,000 रुपए जो कि वहां से चोरी हुए थे उनमें से बरामद किया है पुलिस ने। 2 अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। और एक लगभग 15 दिन के जो हमारा एक मुखबिर तंत्र था उसको भी सक्रिय किया और जो तकनीकी साक्ष्य थे उसके आधार पर भी काम करते हुए हमारी टीम ने इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।